हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट फाइनेंस के सब्जेक्ट के अंतिम प्रहार की ओर और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले आया हूँ। जल्दी से अपना एक क्वेश्चन शुरू कर देते हैं क्योंकि अब फास्ट भागेंगे। ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली है और कोर्स अभी भी बाइंग का ऑप्शन रेडी है, ऑन है और विद इन 10 मिनट्स अब इसको कर दिया गया है। जिनको 1 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट्स के अंदर ये बुक्स आपके इस पे डिलीवर्ड हो जाएगी। ऑटोमेशन में पूरा प्रोसेस हमने कर दिया है। जैसे ही आप ये बुक बाय करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा और ई बुक सारी की सारी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में अगर अभी भी जिसको कोर्स में कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो वो बुक बाय कर सकता है, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब ये क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ऑब्लिक इक्विटी लिखिए। देखो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, इसलिए यहाँ पर ऑब्लिक डिबेंचर या इक्विटी लिखा है। बेसिक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि जो डिबेंचर हम इशू करते हैं, तो सर पहले तो डिबेंचर क्या होते हैं। डिबेंचर एक तरीके का लेटर होता है, एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कंपनी इशू करती है अपने कह सकते हो कि शेयर होल्डर्स को स्टार्ट में ऑफर दिया जाता है, लेकिन स्टार्ट में पब्लिक डोमेन में दे दिया गया। अगर जिसी ने शेयर पे होल्डर नहीं है तो उनको पब्लिक डोमेन में दे दिया गया, जिसमें वो एक तरीके का लोन लेती है कंपनी। जैसे कि कोई भी डिबेंचर का आप नाम देखोगे तो हर डिबेंचर का नाम होता है। डिबेंचर का नाम का मतलब सर तो आपको लिखा हुआ होगा 8% डिबेंचर, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो ये परसेंटेज 8% हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी परसेंट। इसका मतलब ये है कि इस नाम का मतलब ये है कि कंपनी इतने सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करेगी ही करेगी। इसको बोला जाता है डिबेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब जो 10% दे रखा है ये पर एनम ही होता है यूजुअली और दिया जाता है। तो मतलब कंपनी लोन लेने के लिए नहीं गई, कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है तब डिबेंचर इशू किए जाते हैं, इक्विटी इशू किए जाते हैं या कंपनी लोन लेने के लिए जाती है। लोन में भी 2 तरीके होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी बातें हम अपन सीखते हैं, आगे और डिटेल में इस पर बात करेंगे। लेकिन लोन में भी 2 तरीके हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही होती है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि कंपनी को ये डिबेंचर इशू करने में कितने परसेंट ब्याज देना होगा, वही कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कहलाता है। अब इक्विटी में तो ब्याज तरीके की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम इक्विटी इशू कर रहे होते हैं तब बहुत सारे प्रोमिसेस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ करती है कि हम आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिससे हम डिविडेंड बांटेंगे या आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर आता है। अब बेसिकली यहाँ पर इक्विटी हो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो या प्रिफरेंस शेयर हो, तीनों का आंसर सेम रहेगा। डिबेंचर एक तरीके का लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यूजुअली 5 या 10 ईयर्स में रिडीम होता है। रिडीम यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको 5 ईयर में बायबैक करना होता है, पेमेंट करना होता है। इसके इंटरवल आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे उनको। 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट एंट्री करते थे डिबेंचर के अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, वही डिबेंचर है। अब इसके की पॉइंट्स यही होते हैं कि डिबेंचर हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, डिबेंचर में फिक्स्ड होता है। इसकी मैच्योरिटी डेट होती है, यानी कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स जब भी ये इशू होंगे एक मैच्योरिटी डेट होगी, उसने टाइम बाद इसको पेमेंट करना ही होगा। डिबेंचर यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब डिबेंचर कभी भी कंपनी इशू करती है तो किसी भी जो डिबेंचर होल्डर है उसको कोई मॉर्गेज पे नहीं रखती, लेकिन कुछ डिबेंचर मॉर्गेज पे भी रखे जाते हैं जिनको सिक्योर्ड डिबेंचर बोला जाता है। वेराइटी ऑफ इशूअर्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड की एबिलिटी होती है, ट्रेड की एबिलिटी यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि डिबेंचर में यह नहीं होता। डिबेंचर आप नॉन ट्रांसफरेबल थिंग होती है, लेकिन समटाइम्स आप इसको मॉर्गेज पर रख के लोन कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड का पॉइंट आप लिख सकते हो। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या होता है, जो नेचर होता है डिबेंचर का वही उसके टाइप्स होते हैं। लाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर का इस काइंड है कि आपने शुरुआत में 5 साल के लिए डिबेंचर का ऐसे इंटरेस्ट दिया और बाद में शेयर में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी वो इक्विटी शेयर्स में चेंज हो जाएंगे, वो कन्वर्टेबल है। कोई दिक्कत आ रही है समझने में, बहुत इजी पॉइंट है। मैं बहुत इजीली आपको सारी के सारे थ्योरी पॉइंट भी समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के भी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट भी बन गई है ऑलरेडी, मैंने वो अपलोड कर दी है, तो आप एक बार न्यूमेरिकल की भी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी में चेंज नहीं हो सकते, एक जो इक्विटी में चेंज हो जाएंगे 5 ईयर्स 2 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद में, और जो नहीं हो सकते वो नॉन इक्विटेबल। सिक्योर डिबेंचर,
यूजुअली इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता है कि सिक्योर डिबेंचर यानी कि कंपनी एक तरीके का मॉर्गेज रख रही होती है, एक तरीके का कुछ अमाउंट रख रही होती है, स्पेसिफिक रख रही होती है, या किसी की अंडरटेकिंग दे रही होती है कि हम आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए तो ये कंपनी थर्ड पार्टी आपको देगी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग रेट डिबेंचर, ये भी इंडिया में कम देखने को मिलता है। फ्लोटिंग रेट का मतलब है, जैसे मैंने आपको बोला था 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि आप डिबेंचर में कभी इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, कभी इंटरेस्ट कम देते हैं, बट एक बेंचमार्क फिक्स कर देते हैं, तो ये फ्लोटिंग रेट होता है। नेक्स्ट होता है जीरो कूपन डिबेंचर। जीरो कूपन क्या होता है कि इसमें डिबेंचर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, केवल फेस वैल्यू दे दी जाती है। और डिबेंचर जो होते हैं वो, तो सर कमाओगे कैसे, यदि 100 का डिबेंचर मैंने 100 का लोन दिया किसी को और वो 100 ही रुपये मेरे को वापस दे रहा है तो मैं कमाऊंगा कहाँ से। तो क्या होता है कि यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में डिबेंचर इशू किए जाते हैं, यानी 100 रुपये का डिबेंचर है तो वो 70-80 रुपये में दिया जाएगा, यानी कि आपको जब रिडीम किया जाएगा तब 100 रुपये दिया जाएगा, यानी कि हर महीने हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा आपको। एनुअली जब 5 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड होगा तब एक साथ उसका डिस्का फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, जीरो कूपन पे आते हैं। अब बेसिक एडवांटेज क्या होता है डिबेंचर का, एक तो पब्लिक इंस्ट्रूमेंट है तो मॉर्गेज नहीं रखना होगा, तो कैपिटल एक्सेस मिल जाती है हमको, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट होता है, पता रहता है कि हमको कितने पैसे की व्यवस्था करनी है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, हमको केवल इक्विटी प्रिफरेंस या लोन पे ही नहीं देना, तो हम हमारे फंड्स को कैपिटल स्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करते हैं, लिक्विडिटी इससे हमारी हाई हो जाती है क्योंकि हमको अमाउंट अच्छा मिल जाता है, फ्लेक्सिबल टर्म्स रहती है, ये कंपनी और से भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेती है, बेसिकली कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेती है कि हम इतने अमाउंट में देना चाहते हैं और से भी कहती है कि आइए इशू करिए डिबेंचर, है ना। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज वही एडवांटेज से जुड़ा है कि एक अमाउंट देना होगा, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट तो लग ही रहा है, रेट ऑफ रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क रहती है। मान लो कि बैंक में रिस्क क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट लो हो गया, जब बैंक में इंटरेस्ट रेट लो हो गया और मैंने डिबेंचर हाई में इशू कर दिया तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर खड़बड़ा गया, है ना, लॉस ऑफ कंट्रोल। अब जो अमाउंट हमने दे दिया है, जो इंटरेस्ट हमने दे दिया है वो तो देना ही पड़ेगा, इशू हो गया है मतलब पेमेंट करना ही पड़ेगा, कोई कंट्रोल नहीं हमारा। मार्केट का फ्लक्चुएशन मार्केट के फ्लक्चुएशन कंडीशन के कारण हर साल इंटरेस्ट दे पाओ ये ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के डिबेंचर एक अच्छा मीडियम रहता है कैपिटल रेस करने के लिए, अमाउंट रेस करने के लिए, लेकिन देर इज़ अ सम प्रोटोकॉल्स, देर इज़ अ सम रिस्ट्रिक्शन इन इंडियन मार्केट, ठीक है, इंडियन फाइनेंस मार्केट, है ना। तो यही आपको डिबेंचर की थ्योरी याद रखनी है, अगर इक्विटी की भी आती है तो सेम काइंड ऑफ थ्योरी है, बस इक्विटी में जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो फिक्स नहीं रहती है ना, इंटरेस्ट नहीं फिक्स रहता है, प्रॉफिट में डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है, लेकिन देर इज अ सम काइंड ऑफ कॉस्ट, तो यही पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर आ जाए तो याद रखना दोनों के ऑलमोस्ट 95% पॉइंट सेम है, क्योंकि उसके अंदर भी फिक्स परसेंट में दिया जाता है, वो भी कन्वर्टेबल होते हैं या नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही होते हैं, उनको ट्रेड भी नहीं किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सेबी ने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट होगा नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।